फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम मसाला की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और बहुत आसान तरीके से लेके आई हूँ। आप इसे झटपट से बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, यकीन मानिए। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किया मशरूम मसाला। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने ले लिया एक मिक्सी का जग। इसमें मैंने ले लिए 10 से 15 लहसुन की कलियां, साथ ही आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है मैंने इस तरीके से काट के, और 3 मीडियम साइज का प्याज ले लिया। इसको मैंने लंबा लंबा काट के इस तरीके से तेल में फ्राई कर लिया है। तो इसी तरीके से फ्राई करके ले लेंगे। इसको भी मैं मिक्सी के जग में ही डाल दूंगी, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधे कटोरी दही। इन सभी चीजों को अब हम पीस लेंगे। तो चलिए मिलते हैं पीस के। मैंने प्याज, दही, लहसुन, अदरक को पीस लिया है। इस तरीके का हमारा बारीक पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब अगला काम कर लेते हैं। मशरूम मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया 250 ग्राम मशरूम, और इसे मैंने अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के धो लिया है। अच्छे से धो के अब हम इस एक मशरूम के हम 4 हिस्से कर देंगे और इस तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं सबको काट लेती हूँ। सारे मशरूम को हम काट लेंगे इस तरीके से। एक मशरूम के मैं 4 हिस्से बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मशरूम को काट के ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो वो जो हमने मसाला तैयार करके रखा है वो डाल देंगे इसमें। ऐड कर देंगे ये जो हमने मसाला प्रिपेयर करके रखा था, दही, प्याज और लहसुन अदरक वाला, इसी में ऐड कर देंगे सारा। तो ये देखिए प्याज और दही वाला मैंने सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। धनिया के पत्ते को मैंने इस तरीके से काट के ले लिया है। धनिया के डंठल को भी आपको काट के डाल देना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और लगभग 1 चम्मच ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। बस कुछ नहीं करना, सभी चीजों को हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है ताकि मशरूम इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मशरूम को मैंने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम अगला काम कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है फ्राई पैन। इसमें ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 2 छोटी हरी इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसका हम तड़का लगाएंगे। खड़े मसालों का तड़का लगाने से सब्जी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 तेजपत्ता। अच्छे से मसालों को भुनने देंगे। लौंग को तेल में डाले तो ध्यान रखें, लौंग कई बार चटक के भी आता है। तो ये देखिए तड़का हमारा भुन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इस तरीके से तेल में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारी सब्जी का। हल्का सा भुनेंगे इसको भी, और बस। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अब ये मशरूम जो हमने दही और प्याज के साथ मिक्स करके रखा था, सारे की भी डाल देंगे और बस इसे भुनेंगे अब लगभग 2 से 3 मिनट। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत स्वादिष्ट बनती है, यकीन मानिए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज आपको इजीली मिलती रहे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम मशरूम को थोड़ी देर भून लेते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट। बिना टमाटर के भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होती है, यकीन मानिए, और बहुत ही आसानी से झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो आंच को मीडियम ही रखेंगे और इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनेंगे। तो ये देखिए मशरूम को मैंने लगभग 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि अभी तक मैंने नमक नहीं डाला था। दही की सब्जी में नमक बाद में ही डालें, और साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच गर्म मसाला। नमक और गर्म मसाले को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गरम मसाला और नमक को, तो ये देखिए गरम मसाले को नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से ढक के पका लेंगे।
तो हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट अब इसे अच्छे से पकने देंगे। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं लटपटी सब्जी बनाऊंगी, आप चाहे तो थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। आंच को बिल्कुल कम कर देंगे और इसे ढक, तो सब्जी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। 15 से 20 मिनट में मशरूम की सब्जी बनके तैयार हो जाती है क्योंकि मशरूम को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और ये देखिए कितनी टेम्पटिंग स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनके तैयार है। लास्ट में फिर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता, किसी भी चीज़ का स्वाद बढ़ा देती है। और धनिया पत्ते को मिक्स करेंगे और लीजिए हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और लीजिए हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी स्वादिष्ट मशरूम मसाला सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और आपने देखा ही कि कितना आसान तरीका है इसे बनाने का, आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।